कंबोडिया का सनातनी इतिहास सबसे पुराना, मुल्क में लहराया सनातन धर्म का पताका, हिंदू धर्म से जुड़ी हैं कंबोडिया की जड़ें, सनातनी परंपरा से होता है राजा का राज्याभिषेक। भारत की तरह क्या हिंदू राष्ट्र है कंबोडिया, देखे सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कंबोडिया दुनिया के नक्शे पर मौजूद एक ऐसा देश जिसकी आधे से ज्यादा आबादी बुद्धिस्ट है। बौद्ध धर्म को मानने वाले इन्हीं लोगों के बीच हिंदुओं की आबादी ना के बराबर। गिने चुने हिंदू यहां आपको मिलेंगे, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर आपको यहीं दिखाई देगा। मुल्क की जड़ें सनातन संस्कृति से इस कदर जुड़ी हैं कि आज भी राजा के राज्याभिषेक में हिंदुत्व का तड़का लगता है। बरसों पुराने कंबोडिया के सनातनी इतिहास में सनातन धर्म का परचम सदैव लहराया, जिसका नतीजा ये हुआ कि देर से ही सही 6 दशक यानी कि 60 साल बाद कंबोडिया के राजा को भारत आना ही पड़ा। बीते दिनों कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिंहमोनी भारत पधारे और उनकी पहली राजकीय यात्रा दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित होने की 70वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में रखी गई थी। सिंहमोनी का भारत आना चीन को टेंशन दे गया, क्योंकि कंबोडिया में ही चीन अपना नौसैनिक अड्डा बना रहा है और ऐसे में कंबोडिया और भारत की बढ़ती नजदीकियां चीन के लिए बर्दाश्त से बाहर है। 60 साल पहले नोरोडोम के पिता भारत आए थे और अब उनके बेटे ने भारत में कदम रखा और इस मौके पर भारत ने नोरोडोम का भव्य स्वागत भी किया। रेड कार्पेट बिछाया गया, तोहफों की सलामी दी गई, कई अहम समझौतों को हरी झंडी दिखाई गई और इसी के साथ कंबोडिया का सनातनी इतिहास अब गूगल पर सोशल मीडिया पर पढ़ा जाने लगा है। कंबोडिया का सनातनी इतिहास, हिंदू धर्म से जुड़ा खमेर राजा का साम्राज्य, कोने कोने में देवी देवताओं की मौजूदगी, कंबोडिया का हिंदू राज्य धर्म, देखे सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 1953 में फ्रांस से मिली आजादी के बाद कंबोडिया एक स्वतंत्र देश बना। आज भी यहाँ राजशाही कायम है। राजा का शपथ ग्रहण भगवान शिव और विष्णु को साक्षी मानकर ही होता है। नोरोडोम सिंहमोनी साल 2004 से मुल्क के राजा हैं और यूं तो देखिए कंबोडिया कई चीजों के लिए जाना जाता है, लेकिन एक चीज जिसने कंबोडिया को लेकर लोगों में दिलचस्पी पैदा कर दी है वो है बौद्ध बहुल कंबोडिया का सनातनी इतिहास। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर 12वीं शताब्दी का अंकोर वाट मंदिर यहीं पे मिलता है, यानी कि कंबोडिया में खड़ा है। यहाँ के कई मंदिरों में देखिए प्राचीन हिंदू प्रतिमाएं पाई गई हैं, जिन्होंने इतिहासकारों को राज्य के धार्मिक इतिहास के प्रमाण प्रदान किए हैं। इतिहास कहता है कि शुरुआत से मुल्क में सनातन धर्म की मौजूदगी रही, लेकिन यहाँ पर विदेशों की नजर पड़ी और उन्होंने यहाँ रहने वाले हिंदू लोगों का तलवार के दम पर धर्म परिवर्तन करा दिया। यहाँ के लोग अभी भी दिल से खुद को हिंदू ही मानते हैं। यहाँ का अंकोर वाट मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है और इसी मंदिर परिसर के अंदर ही अंदर देखे 45 से भी ज्यादा अलग अलग मंदिर है। मंदिर की विशाल दीवारों पर आज भी आपको रामायण और महाभारत से जुड़े प्रसंग लिखे हुए मिलेंगे। आलम यह है कि पड़ोसी थाईलैंड की तरह राज्याभिषेक का समारोह ज्यादातर शाही ब्राह्मणों द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसके दौरान संप्रभु प्राचीन राष्ट्र परंपराओं को बनाए रखने के लिए शासक भगवान विष्णु और शिव की मूर्तियों के सामने शपथ लेते हैं। और ये इस बात का उद्देश्य है कि कंबोडिया में सनातन की पताका आज भी बड़े शान से लहरा रही है। तो समय के साथ साथ कंबोडिया में बौद्ध धर्म का बोलबाला बढ़ता गया और सनातन परंपरा का दायरा सिकुड़ता गया, लेकिन धर्म उत्थान के दौर में एक बार फिर कंबोडिया हिंदू राष्ट्र के चश्मे से देखा जा रहा है। हिंदू हृदय सम्राट पीएम मोदी और कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिंहमोनी, इन दो नेताओं के बीच की दोस्ती दो देशों को एक साथ अब कहां लेकर जाएगी, अब ये देखना बाकी है।